क्षेत्र में बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमानताल थाने का घेराव किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि आम जनों का जीना मुश्किल हो रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता की दलाली बंद। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमानताल थाने का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, गली गली नशे का अवैध कारोबार हो रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। बढ़ते अपराधों के कारण आम जनों का जीना मुश्किल हो रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। दारू गांजा बेचवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरे शहर में जिस तरीके से अपराधियों ने अपने पैर पसार लिए हैं, बेखौफ होकर पूरे शहर में चाकूबाजी की घटनाएं, चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं और मादक पदार्थों की बिक्री, अवैध हथियार जैसी चीज़ें खुलेआम शहर में व्यापार का एक धंधा बन चुका है। उसी के चलते आज हनुमानताल थाना क्षेत्र में जबलपुर युवक कांग्रेस ने आज यहाँ पर घेराव किया कि इस एक महीने में केवल हनुमानताल थाना क्षेत्र में 20 से ज़्यादा चाकूबाजी की घटनाएँ हुई हैं और हर गली में कम से कम 2 से 3 मादक पदार्थ, अवैध दारू, अवैध गांजे की दुकानें हैं, जो यहाँ के स्टाफ को भली भांति पता है कि कौन बेचता है। बेचने वाले के पास जब ज़्यादा पैसा आता है और पीने वाला जब ज़्यादा नशे में होता है तो क्षेत्र में जाहिर बात है कि घटनाएं बढ़ती हैं। लगातार रोज़ चाकूबाजी की घटनाएँ, अभी विगत मंथ पिछले महीने 5 दुकानों में एक ही समय पर चोरों ने धावा बोल दिया, अभी तक एक भी आरोपी उसमें पकड़ा नहीं गया है। एक व्यक्ति को चाकू मारी गई, रोज उसको दम दी जा रही है कि रिपोर्ट नहीं कटाता है तो उसको जान से मार दिया जाएगा। उसकी जानकारी देने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। क्षेत्र में लगातार मादक पदार्थों की बिक्री है। इन सभी संदर्भ में आज हनुमानताल थाने का घेराव किया गया है कि TI महोदय को भी जानकारी देने के बाद, यहाँ तक कि कुछ घटनाएँ ऐसी भी हुई कि जब क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों की जानकारी यहाँ पर दी जाती है तो पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों को बता दिया जाता है। तो यहाँ का जनमानस पुलिस को बताना भी, अब बताने में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। पुलिस को बताने के बाद भी अगर आरोपियों को ये पता चल जाए कि किसने उसकी जानकारी दी है और आरोपियों द्वारा उसे परेशान किया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि जबलपुर शहर में एक आम मानस कितना सुरक्षित है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर प्रशासन की जो लापरवाही है, जो अपराधियों को खुला संरक्षण यहाँ की हनुमानताल पुलिस ने दे रखा है, इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने अपराधियों पर नकेल नहीं कसी तो पुलिस के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा।